घूमने भी जाना है, सही बात है, घूमना इसने है, काम इसने करना है, पार्लर इसने जाना, सब इसने एक साथ कर देना है, ऐसा होता है। खाना नहीं खाया मैंने सुबह से, नाश्ता देख रही मेरे को, ना मैंने नाश्ता किया ना मैंने दोपहर खाना खाया। अब तो तुरंत बैठा के खाना, कल का खाना भी आज ही खिला देगी। हेलो गाइस, कैसे आप लोग, आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हम करते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं अमृतसर, मैं और डरू सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। हम सोचे थे जिया को भी ले जाएं, बट जिया की तबीयत 2-3 दिन से खराब है, तो उसको बुखार चढ़ गया था। अब ठीक भी है, पर इतने दूर के सफर में वो कहीं जा भी नहीं पाती है, मतलब उल्टी करने लग जाती है और बहुत चिड़चिड़ा करती है। थोड़ी देर तक तो हमारे साथ रहती है, फिर उसके बाद बोलती है कि मुझे घर चलो, मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादू के पास जाना है। तो इसलिए हम आज उसे ले जा नहीं रहे, और मैं इतनी लेट हो गई हूँ, मुझे जाना पार्लर भी है। और तो आप लोग कमेंट करके कह रहे थे कि बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे मुझे भी नहीं लग रहे, बट अब क्या कर सकते हैं, अब कट गए तो कट गए, थोड़े थोड़े करते करते इतने छोटे हो गए, चलो कोई भी नहीं, इतने भी बुरे भी नहीं लग रहे जो कि आप इतने कमेंट कर रहे थे। तो अब मैं जाती हूँ जल्दी से पार्लर, फिर आके आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारा मजा आने वाला है। ब्लॉग के साथ बने रहना और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हे गाइस, गुड इवनिंग। और गाइस, अभी हो रही है शाम, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इंट्रो देने का, व्लॉग बनाने का, लेकिन इसकी हरकतें देख के मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कैमरा उठाऊं और इसकी हरकतें दिखाऊं। खुद देखो आप लोग, ये देखो, अभी हम लोगों ने निकलना है अमृतसर के लिए, और देखो अभी इसने अभी नेल पेंट लगा रही है, सारा पैकिंग कुछ नहीं कर रखा है इसने, देखो सारा खलारा मचाया हुआ है। ओ हेलो हेलो, तेरे को अभी मिल रहा सारा टाइम है, मैंने बोला था ना मैं पार्लर जा रही हूँ, आपके कर रहे थे घर, पार्लर क्यों, मैंने इसे बोला कि पार्लर आज रहने दे, आज हमको जाना है, जल्दी निकलना है, नहीं इसने पार्लर भी जाना है, इसने काम भी करना है, सब कुछ घूमना इसने है, काम इसने करना है, पार्लर इसने जाना, सब इसने एक साथ कर देना, ऐसा होता है। ये कुछ पैकिंग नहीं कर रही है इसने, और अभी बज रहे हैं गाइस 4:30 हो गए हैं, अराउंड 4:30 के आसपास है, तो हमको निकलना है यहाँ से 5:30 में निकलना है अमृतसर के लिए, 5:30 बजे तक पूरी रेडी होंगी मैं, देखना। चल ठीक है, ओके देखते हैं, हो फटाफट जल्दी, जींस मैंने निकाल लिया, मेरे पास टॉप नहीं है। ये तेरा दिमाग में अकल है कि नहीं कुछ, प्लीज यार बस एक टॉप यार, सब मैंने पहने वाले हैं, फिर लोग कमेंट करते हैं कि आप वही कपड़े रिपीट रिपीट पहनते हो, कपड़े नहीं आपके पास ऐसे बोलते तो गाइस ऐसा बोलते हो यार, पर टाइम देख लीजिए इस टाइम यार, प्लीज मैं पैकिंग में कर दूंगी, नहा धो के तैयार हो जाओ, नहीं नहा धो के सारा कुछ कर दूंगी मैं, सारी पैकिंग कर दूंगी, आप प्लीज जाके ला दो, पैसे भी ले लो इसको, आज कैसे निकल रहे पैसे हैं, वैसे मेरे पैसे लगते हैं आज निकल रहे पैसे, ये देखो दिखा 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 दिखा, अरे बाप रे बाप, इतना पैसा ले 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 ले, ठीक है अच्छी सी मस्त सी ड्रेस बना के लाना जाओ, 150 रुपए जाओ जल्दी जाओ, 150 रुपए के लेके आऊंगा मैं, ये 150 रुपए दिए, दिस इज बिजनेस, यू नो बिजनेस, किसी बास आई प्याज खा रखा, कहाँ खाया प्याज, तेरे को बास ही आती है मेरे से, हैं वैसे तो पसीना भी आता है तेरे को, बास भी मेरे से आनी है, प्याज खाया नहीं खाया, ठीक है खाना नहीं खाया मैंने सुबह से, नाश्ता देख रही मेरे को, ना मैंने नाश्ता किया ना मैंने दोपहर खाना खाया, अब तो तुरंत बैठा के खाना, कल का खाना भी आज ही खिला देगी, जा रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं प्रिया को खुद ही लेके जा रहा हूँ, मैं चल तू भी चल यार, यहीं भी बगल में जा रहे थे, दूर में जा रहे हैं, और ये पीछे से आ गए, कह रही मेरे को भी ले जाना है, कहाँ जाना बेटा, तेरा मॉल में नहीं जाना, अभी यहीं पे जा रहे हैं, चल जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, लूज अच्छा लगता है, ये ऐसे ही होते हैं, अब नहीं हो रहा इसको लेट। तो गाइस देखो मैं रेडी हो चुका हूँ, और ये कह रहे थे कि मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, देखो ये देखो ये हो गई तैयार मैडम, हैं अब जाके इसने अपना मेकअप करना शुरू किया है, और 70 घंटे भी और लगाएगी, अभी कुछ भी नहीं बोलेगी, अभी इसको पता है ना गलती इसकी है इतनी देर से। तो गाइस 5 बज चुका है, हमने यहाँ से निकलना था 5 बजे, अभी और कितना टाइम लगेगा मैडम, ओ मैडम वाह का हो, ए सुनत नहीं प्लीज यार, बंद क्यों किया, ओम फोम तभी तो जल्दी जल्दी करेगी ना इसलिए, क्या फायदा, ये देखो क्या फायदा, मेरा मेकअप सारा फैल जाएगा, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तो गाइस मैं पहले से ही ज्यादा लेट हो चुकी हूँ और अपना सारा तामझाम लेके बैठ गई हूँ, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा टाइम कैसे वेस्ट होने से बच सकता है।
हम सैलून जाते हैं, सैलून में हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है एक्सटेंशन करवाने में। तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरे भी नेल्स बड़े बड़े होते हैं, मुझे भी बड़े नेल्स का बहुत शौक है, बहुत ही ज्यादा है, कभी मेरे बढ़ते नहीं है। तो अब ये टेंशन आप छोड़ो, आपको एक्सटेंशन करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है, एकदम आपको सैलून फिनिशिंग नेल्स मिलेंगे। ये मंगाया है मैंने बैरोम से और उनके पास एक से एक कलेक्शन है, एक से एक शेड है। और तो और मैं इनको अपने ड्रेस के हिसाब से पहन सकती हूँ, जैसे कि आज मैंने ये पहना तो कल मेरी ये ड्रेस है तो मैंने उसके साथ मैचिंग करके ये पहना। मतलब आप रोज चेंज कर सकते हो, रोज अपनी पसंद से पहन सकते हो। तो गाइस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से भी मंगा सकते हो। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आए, मतलब मेरे तो फेवरेट हो चुके हैं। अब आओ जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाते हैं। तो गाइज ये टेप जैसा है, कुछ डबल टेप होती है ना बिल्कुल वैसे, तो इसको आप अपने फिंगर के हिसाब से चूज करके लगा सकते हो, जो जो भी आपके फिंगर में फिट हो रहा है। बस इसको बस एक दो सेकंड के लिए ऐसे टैप टैप करना है, इसको बस आप एक दो सेकंड टैप करके उसके बाद इसको निकाल दो, उसके बाद आप अपने नेल्स को इसमें फिट कर दो। बस दो सेकंड तक आपने इसको प्रेस करके रखना है, उसके बाद देखो एकदम परफेक्ट, बिल्कुल ही नेल्स के साथ चिपक गया है। तो ये दो तीन दिन तक आपके बिल्कुल नहीं उतरेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। तो गाइस ये देखो नेल्स लग चुके हैं मेरे, और मेरे को इतने ज्यादा पसंद आते हैं ना, ये देखो एकदम सैलून फिनिशिंग है। तो आज मैंने ये लगाया, कल मैं दूसरे कलर के लगाऊंगी। आई होप आपको भी पसंद आए होंगे, ये मेरे तो बहुत ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाके मंगाओ। और मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, अभी वो फिर से आएंगे तो फिर से मुझे डांटेंगे, तो बाय जल्दी जाके। तो गाइस हम लोग पहुंच गए, पहुंचे नहीं है। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं, सबको हमने उठा लिया है, आई मीन पिक कर लिया है। पीछे दिखा दे कौन कौन है, नए नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं तो पुरानी है, ये नहीं है। हाँ ये नहीं है बंदी, पहले तो लेट मैंने करवाया, फिर लेट इन्होंने करवाया। अभी टाइम कितना हो गया, 7 बज गया ना भैया? आराम से हाँ बजने वाला है, 4 मिनट रह गए। अब बताओ अब हम कब पहुंचेंगे वहाँ, कब वीडियो बनाएंगे, कब रील बनाएंगे, कब घूमेंगे, कब खाएंगे? कल का पूरा दिन है, आज रात वहाँ रुकेंगे, रेस्ट करेंगे। और मैंने पता है सुबह से कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके गई थी थोड़ा, फिर पार्लर से आने के बाद भी कुछ नहीं खाया। उसके बाद भी मुझे डांट ही जा रहे थे कि ये नहीं करा तूने, वो नहीं करा, ये पैक नहीं करा, फिर उसके बाद खुद ही लेट करवा। शुरुआत लेट करने की इसने करी थी। अभी हाईवे पे रुके हैं, हम सोच रहे हैं फास्ट टैग लगवा लें यहाँ पे, जो रोड साइड पे खड़े होते हैं यहाँ पे, और लगवा रहे हैं क्योंकि ये भी जरूरी है, इससे हमारा पैसा बचेगा, तो उन्हीं पैसों से हम तेल डलवाएंगे, फिर हम और दूर जाएंगे। फाइनली अभी बज रहे हैं 9 और हम लोग पहुंच गए अमृतसर। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, अभी हम देखते हैं होटल का कहीं पे रुकते हैं, पहले अंदर चल जाएं सारा घूम ले। ओम फो कैसा लग रहा है फिर? तो गाइस अभी जैसे हम एंटर हुए हमारा एक सब्सक्राइबर मिल गया, उस जैसे हमने फोन निकाला ना तब उसको कंफर्म हो गया कि हाँ हम ब्लॉगिंग करते हैं। उससे पहले वो डाउट में था, वो कहता है मैं डाउट में था कि मतलब ये वही है कि नहीं है। तो अभी हम पहुंचे, रात का व्यू ज़्यादा अच्छा है इसलिए हम रात को आए हैं, आज रात यहीं रुकेंगे, अब कल हम जाएंगे पूरा घूमेंगे दिन में। तो गाइस एक सब्सक्राइबर हमें फिर से मिला, मतलब बड़ी खुशी होती है कि लोग हमें पहचानते हैं, हमें हमसे मिलते हैं और हमारे पास आके बोलते हैं कि भैया हम हैं, तो मतलब मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कि हम कुछ कर रहे हैं, जैसे जिसकी वजह से लोग हमें जान रहे हैं करके, तो अच्छा लगता है ऐसे जब कोई मिलता है तो। और कुछ भी नहीं खाया है मैंने, सुबह नाश्ता किया था, अभी तो कुछ भी नहीं खाया है। मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे कुछ खिला दो, मतलब ही नहीं होता यार। बात पता क्या है, हाईवे में कहाँ से मिलेगा कुछ खाने को? आप कौन सा हाईवे आ गया? अभी खाएंगे ना, पहले होटल ले ले। अभी आया रूम देखने के लिए, अब देखते हैं, हम 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए ऐसे ठीक है वैसे, है ना? ये सही है, अलमारी भी है। अलमारी में क्या रखेगी तू?
अलमारी भी है। देखिए कैसे दुर्राटे कात रही है। तो वॉशरूम में एक रात रुकना है, तो वॉशरूम में हमेशा के लिए थोड़ी रहना है। तो गाइज अब हम रूम में पहुंच चुके हैं। वहाँ वो वाला होटल हमें पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा पैसे बोल रहे थे वो, और ये वाला सही है, एसी भी है, दो बेड भी है और कंफर्टेबल भी है। तो अब हम तैयार हो चुके हैं, आके फ्रेश हो गए हैं, अब हम जाते हैं खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। फिर यार तेरे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना, अभी तो छोटे थे तेरे। नेल एक्सटेंशन करवाए? नहीं, लगाने। हाँ लगा, मैं हमेशा अपने पर्स में लेके रखती हूँ ये, कि ड्रेस के साथ ना, जब भी अगर हमने अलग कलर की ड्रेस पहनी तो उसके साथ आप नेल्स भी लगा सकते हैं। मेरे भी लगा दो यार, अभी लगा देती हूँ। लग रहे हैं, देखा आ गया ना काम। इस बार तो मैं दे रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगी। नेक्स्ट टाइम बैरोन से मंगाना आप। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और बहुत ही ज्यादा इजी है ये। तो गाइस देखो, है ना, 5 मिनट का काम, 5 मिनट में एकदम सैलून जैसा काम। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। लग रहे हैं अच्छे, ये देखो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, मतलब इस टाइम बज गया है 11 और हमको 12:30 से पहले होटल के अंदर जाना है, तो इसलिए फटाफट जाते हैं, 1-1.5 घंटे में कुछ खा पी के आ जाते हैं। और देखो प्रिया ने बाल खोल लिए, बताओ कैसी लग रही है। ओफो, धुर्राटे काट रही है, और उसका फोन तो छूटता ही नहीं है बेचारी का। ऐसे मत बोलो, छूटता नहीं है, देखो छूटा ही हुआ था। अच्छा, आ जाओ भैया, आ जाओ। तो गाइस बहुत मजा आया, फोटोशूट हमने करवाया। जब भी हम आते हैं तो पक्का कोई कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। ट्रांसफर करनी है, फोटोज ट्रांसफर आ जा यार, बाद में कंटिन्यू करेंगे। चलो गाइस अभी फोटोज ट्रांसफर कर ले, उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग। माफी मांगता हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाया, उस वक्त खाने में सबका जाता है। तो गाइस ये दोनों प्लेट मैंने खत्म किया। ये आज पहली बार तुमने सच बोला भैया, आई लाइक इट। इट बड़ी देर में आया क्योंकि मोमोज में था ना, ये कर रहे थे तभी इट इसलिए देर में आया। तो इससे पता लगता है कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। ये देख लो, अगर भरोसा नहीं होता ना मैं गाइस कट, ये क्लिप कट हो जाएगी। अरे वाह, दिस इज कॉल्ड मैनर्स। घर पे सफाई ना करे, यहाँ बाहर आके ये काम करते हो ना घर पे। सही है यार, ऐसे सही बात है। पता नहीं किसकी एक्ट हुआ थी, हमने इसको टेबल बना दिया। चलो इसको डालो डस्टबिन में। गाइस प्रिया लोअर लेकर नहीं आई थी और ये कह रही थी लोअर लेने के लिए, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा सच्चा मित्र, इधर आओ आईपैड मिलेगा, इसने मुझे आइडिया दिया कि एक लोअर ले ले अपने लिए और वही रात को पहनाना था भाभी को, उसके अगले दिन हमारा। बोला क्या, बोला बोला लीली बोला, अभी भाभी पहनने की बात तू पहन ही लेगा। तो आइडिया अच्छा था, बुरा नहीं, इसलिए मैंने ले लिया लोअर। फाइनली आ गए हम डिनर के लिए। बेचारी प्रिया के सांस में सांस आई है ना, आई नहीं, ओए गरीब शाहिद कपूर चुप रहे। वैसे अभी हमने मस्त पुलाव मंगवाया है, दाल मखनी और बटर नान और क्या है, मिक्स वेज, बस साथ में माउंटेन अचार, तो फ्री फंड का है ये। तो अभी हम मजे ले रहे हैं, खाते हैं, फिर जाते हैं घर को आराम। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं। ये तो जा रहे नाई मला था छैना, क्या बोल नाई मला था छैना, गाना तो वाला। यार नेपाली सॉन्ग कह रहे थे ना आप, तो गाइस नेपाली वाली लड़के हमारे पास है, सिंग चोंग शिवमो वाइशिंग शिवमो, नेपाली गाना गाओ। ओए मरीज, तो गाइस नेपाली गाना सुनाएगी ये लड़की। मुझे नेपाली में नहीं आता है, सुना देना यार। बस नहीं मला था छैना, बस इतना ही मेरे को भी इतना याद है। अच्छा तो गाइस हमारा यही था आज का व्लॉग, और हम घर आ गए हैं, सॉरी रूम में आ गए हैं, और हम सोते हैं, और उसके बाद फिर हम कल जाएंगे, हम दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको पूरा अमृतसर घुमाएंगे। और गाइस सच में देखो मैंने पैजामा अभी निकाला, देखो दिखा दो कैसे लग रहा है, लग रहा है ना ऐसे लेडीज ही लग रहा है ना, ये लग रहा है। ओम फो पैजामा धैर्य मान चले भाई, सुन के
तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, अब मिलते हैं कल आपको।